अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीज़ अहमद। आज की वीडियो यार बड़ी एक ना क्या आपको बताऊँ, मैं भी अचानक बैठा हुआ था तो अचानक मुझे गली में से ना रोने की आवाज़ आई। एक औरत की जब बाहर निकला था मैंने देखा तो मेरी आंटी थी, वो रो रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ना वो लड़का है फलाँ नाम का जी, वो डेथ हो गई, मेरा भी जानने वाला था, अदनान भाई उनका नाम था। तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे यार वो हमारे बचपन से ही, उनसे काफ़ी अच्छा मेल जोल भी था। अभी तकरीबन ईद से 3-4 दिन पहले मैं उनसे, ईद के बल्कि तीसरे चौथे दिन मैं उनसे मिला हूँ। तो उन्होंने अचानक बताया कि उनका जो है ना इंतकाल हो गया है, और शादी पे शायद गए तो शादी पे वापसी में उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, अल्लाह तआला उनकी मगफरत करे। लेकिन मेरे सुन के ना अचानक एक, अभी तक जो है ना मेरी पाँव से ज़मीन समझ लें कि खिसक रही है अभी तक मेरा ना, ऐसे मुझे एक बड़ा झटका लगा कि यार नौजवान लड़का है, आई थिंक 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, एक शादी को भी कुछ 3-4 साल हुए होंगे। तो अचानक एक ट्रेजेडिकली एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, तो एक तरह से रिमाइंडर भी है अपना मेरे माइंड में भी कि यार हम लोग दुनिया की ज़िंदगी में ना खोए हुए, हम लोग ये सोचते हैं यार मैंने ये करना है, प्लानिंग हम इतनी लंबी करते हैं कि मैंने ये करना है, मैं वो करना है। मैं भी अभी टेंशन में था, ये चीज़ें सोचा था यार कि क्या हालात है मुल्क के, क्या करेंगे। इन्फ्लेशन की वजह से आपको पता है कि काफ़ी मुल्क के हालात पूरी दुनिया में ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, ऐसे एशिया के मुल्क में तो ज़्यादा है। तो उस टेंशन में ही था, मैं यही सोच रहा था कि यार क्या करे बंदा, मतलब कि यहाँ से पाकिस्तान से चला जाए कहीं और चला जाए। अचानक से वो एक ये खबर आई तो सुन के ना मेरे पाँव से ज़मीन हिल गई। मैंने कहा यार हम लोग क्या क्या प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता, एक नेक्स्ट पल का नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितने पल बाकी है। हम लोग आज मैं हूँ, पता नहीं अगले घंटे में मेरी डेथ हो जाए, अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लें। हम लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है आजमाइश के लिए, अल्लाह ताला जब कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम्हारा माल जान और तुम्हारी औलाद भी जो है ना वो आजमाइश के लिए है। लेकिन हम लोग दुनिया में इस तरह रहते हैं बेफिक्र होकर, जैसे हमें पता ही नहीं है हम लोगों ने रहना ही इधर, हम लोगों ने मरना ही नहीं है। लेकिन अचानक जैसे मौत आती है, फिर जो है ना जिसके ऊपर आती है पता तो सही होता है, लेकिन जब हम अपने देखते हैं हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं उनको ऐसी अचानक डेथ हो जाए तो फिर एक तरह से हमें धचका लगता है, लेकिन कोई एक दो दिन हमें महसूस रहता है, उसके बाद हम लोग फिर वही दुनियावी कामों में खो जाते हैं। तो मैं बड़ा हिला यार, मैंने कहा यार क्या एज थी कितनी, 32 ईयर्स का होगा, 33 ईयर्स का होगा, अभी से तीसरे दिन मुझे मिला था भाई, खड़ा था, मैंने सलाम लिया। बड़े अच्छे यार इंसान थे वो, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, बहुत ही नेक इंसान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मगफरत फरमाए, मरना तो सब उन्हें है। लेकिन ये हमारे लिए एक रिमाइंडर भी है कि हम लोग जो है ना दुनिया की ज़िंदगी में पड़े होते हैं, हम लोग लंबी लंबी प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन हमें अपने नेक्स्ट एक पल का पता नहीं होता। अभी वो भाई ने भी माशाल्लाह बिज़नेस के सिलसिले में काफ़ी, वो भी आउट ऑफ कंट्रीज गए होते थे। तो हमारी हकीकत ये है, हम लोगों को अपने नेक्स्ट पल का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि कल मैंने ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना, लेकिन हम लोग लंबी लंबी प्लानिंग बना रहे हैं इस दुनिया की खातिर। हम लोग जो है ना अपने बहन भाइयों से भी लड़ रहे हैं, हम हराम भी कमा रहे हैं, हम लोग गुनाह भी कर रहे हैं, हम अपने रब को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी इर्द गिर्द डेथ किसी की होती है तो हमें अचानक से ना याद आ जाती है, हमें पता चल जाता है यार कि हम लोग जो है ना हमने भी मरना है। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहता, 2-3 दिन है, फिर वही कुछ वही ज़िंदगी में लग जाना है। लेकिन एक दिन अचानक से तरह हमारी मौत आ जानी है। तो मुझे अभी तक जो है ना बड़ा धचका लग रहा है यार, मैं सोच रहा था कि वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाऊं, लेकिन अचानक जब ये मैंने उनकी डेथ के बारे में सुना तो मैंने कहा इसी पे वीडियो बनाता हूं कि हम लोग प्लानिंग तो बड़ी लंबी करते हैं लेकिन आखिरत की हम लोग प्लानिंग नहीं करते। तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन अब से जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा यार मैं और जो है ना इस दीन की तरफ भी अपने आप को ज़्यादा करूँगा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो गुजरती रहेगी, दुनिया की ज़िंदगी तो गुजरती रहेगी, अमीर है गरीब है सब ने ज़िंदगी गुजार के चले जाना है, एंड मौत है। तो हम लोग उसकी तैयारी क्यों ना करें, हम लोग दुनिया के लिए इतने परेशान होते हैं, हमारे माँ बाप भी दुनिया के लिए हमारी इतने परेशान होते हैं, हमें दुनिया की तैयारी करवाते हैं लेकिन आखिरत की फिक्र की तरफ हमारे माँ बाप भी नहीं लगाते, हम लोग भी नहीं लगते। तो एंड भाई हम सबका यही है, हम लोगों ने भी मरना ही है, तो दुनिया से ज़्यादा आखिरत की भी फिक्र करें, मौत का क्या पता कब आ जाए। तो आखिरत की फिक्र करें, दुनिया की टेंशन इसी तरह चलती रहनी है।